आज बच्चों मैं तुम्हें शहीद बकरी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये कहानी है शहीद बकरी की। हरे भरे पहाड़ों पर बकरियाँ चरने जाती थीं। हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए से तंग आकर बकरियों ने चरना बंद कर दिया। चरवाहे ने बकरियों को पहाड़ों पर ले जाना बंद कर दिया। मौत से बचने के लिए बकरियां बाड़ में ही कैद हो गईं। लेकिन युवा बकरी को ये बंधन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बाड़े में नहीं रहना चाहती थी, स्वच्छंद घूमना चाहती थी। इसलिए युवा बकरी को ये बंधन पसंद नहीं आया। हसरत भरी नजरों से पहाड़ों को देखती रहती। युवा बकरी को उसके साथ की बकरियों ने समझाया, भेड़िए के मुंह खून लग चुका है। लेकिन युवा बकरी को भेड़िए के मुंह लगे खून को देखना चाहती थी। इसलिए युवा बकरी की लालसा बलवती हो गई और मौका पाकर वह बाड़े से भाग निकली। पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, घूमती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। जब वह नीचे उतरने लगी तब दबे पांव भेड़िया आता दिखाई दिया। भेड़िया बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। मालूम होती हो बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। इसलिए बकरी ने भेड़िए की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बकरी ने भेड़िए को जोरदार टक्कर मारी। असावधान भेड़िया संवर न सका। भेड़िया खाई में गिरते गिरते बचा। वह घबरा गया। लहू लुहान भेड़िए के पांव उखड़ गए। साहस बटोर कर पूरे बेग के साथ निरीह बकरी पर झपटा। उसने अपने आप को संभालते हुए भेड़िए ने बकरी पर आक्रमण कर दिया और बकरी को लहूलुहान कर दिया। भेड़िए के लहू में उबाल आ गया क्योंकि बकरी थी वो लहूलुहान हो चुकी थी और उसको देखकर भेड़िए के लहू में उबाल आ गया और वह बकरी पर टूट पड़ा। युवा बकरी अपने अरमान पूरी कर चुकी थी। वह पहाड़ों पर स्वच्छंद घूमना चाहती थी, चरना चाहती थी। वह अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों के आलस्य पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। बेचारी बकरी अत्याचारी भेड़िया का सामना करते करते मर जरूर गई, लेकिन भेड़िए को भी घायल कर दिया। वह भी बच न सकेगा, सड़ सड़ कर मरेगा अगर उसके सभी साथी साथ देते तो। आज भी पहाड़ों पर स्वच्छंद घूमती विचरती और नजर आती। इस तरह भेड़िया ने बकरी को लहूलुहान करके मार जरूर दिया, लेकिन बकरी अपने अरमानों को पूरा कर सकी अगर उसके साथी भी उसके साथ देते। और साथ की बकरियां भी होती तो एक साथ भेड़िए को हरा सकती थी। ओके, थैंक यू बच्चों।